चुटकी जहर रोजाना। हिंदी कहानी। आरती नामक एक युवती का विवाह हुआ था और वह अपने पति और रिसास के साथ अपनी ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद आरती को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। आरती और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया, न तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और न आरती जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे। आरती को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। आरती के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब आरती का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा, तो पिता आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे, उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने आरती के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर में तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आरती जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा, अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा, मंजूर हो तो बोलो क्या करना होगा, आरती ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर आरती के साथ हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर 5 से 6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी परिउत्तर नहीं दोगी, बोलो कर पाओगी ये सब। आरती ने सोचा, 6 महीनों की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से आरती ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया, साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल दिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कराते हुए सुन लेती, रोज़ उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती, सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते गए, सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर न पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती थी। इसी उहाव पोह में एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती, वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठठाकर हंस पड़े और बोले, जहर कैसा
जहर, मैंने तो तुम्हें जहर के बिना जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। हा हा हा, बेटी को सही रास्ता दिखाए, माँ बाप का पूर्ण फर्ज अदा करें।